Tom là mấy cái bây giờ thì nó mới mở thì là mình đi chụp phát tán. नहीं आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही सराकी दे विच गाल कर के इंदे साच है अभी बोला तो है आपने सब ये कह रहे हैं ना कि आप मुझे छोड़ दें हैं छोड़ दूं फिर छोड़ दें फिर वो तो खुश हो जाएंगे आपको छोड़ देते हैं फर्क उनसे नहीं फर्क आपसे पड़ता है अच्छा आप अगर चाह रही हो तो अलहदा हो जाते हैं बस बात को खत्म करते हैं अलहदा कमरा बनवा लेते हैं अलहदा बैठ जाते हैं और तो कोई हाल नहीं है मेरे पास हाँ अपनी पकाएंगे अपनी खाएंगे फिर सही हो जाएंगे फिर आपको भी कुछ नहीं कहेंगे ना मुझे कुछ कहेंगे ठीक है ना खुद पकाएंगे पता चल जाएगा उनको ठीक है कि बहू की और किसी की बेटी की रिस्पेक्ट क्या होती है मैंने आपको बोला है ना मैं आपका साथ दूंगा हर हाल में ठीक है ये हो नहीं सकता कि मैं आपका साथ ना दूं फिर आप क्यों परेशान हो रही हो सुबह का रो रो के आपने अपना बुरा हाल किया हुआ है उठाओ मुकद्दस को यहाँ से चलें उठाओ आप जाए मैं नहीं आती हैं आप जाए मैं नहीं आ रही आप इधर बैठोगी फिर क्यों मैं तो अकेला नहीं जा रहा घर अच्छा चलो अब कुछ नाश्ता तो करो चलो आपकी मर्जी है मैं तो फिर जा रहा हूँ मुकद्दस को लेके जा रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों क्या हाल है ठीक है उम्मीद है खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं वीडियो को साथ साथ रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी जी सुबह सुबह का टाइम है और हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए मतलब कि खाना बना लिया नाश्ता करने के लिए कुछ बनाते हैं और आज मैंने चिब्बड़ तोड़े हैं मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे उधर मैं गई हूँ उस साइड पे जवार में चिब्बड़ लगे हुए थे मैंने कहा आज चिब्बड़ की चटनी बनाते हैं तो आप सब बहन भाई सभी शेयर करेंगे तो वीडियो के साथ साथ रहना है और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आज हवा भी चली हुई है और गर्मी थोड़ी कम है और मुकद्दस को भी मैंने सिला दिया है मेरी तबीयत खुद की थोड़ी आज ख़राब है सर में काफ़ी दर्द हो रहा है बहुत तबीयत आज अजीब हो रही है तो अभी चलते हैं चटनी बनाते हैं लेकिन इतनी प्यारी हवा चल रही है जी आज कपड़े इकट्ठे हुए पड़े थे मुकद्दस के भी और ये सारे तो अभी मैंने कपड़े धोए हैं अभी सुखे फ्रेम को उतार के रखेंगे और काम घर का कुछ किया है ये चिब्बड़ में ले रही हूँ देखो कितने पक्के हैं बहुत प्यारे प्यारे मीठे भी होंगे चटनी बना रही हूँ सवेरा को मेहंदी लगाई है मेरे हाथों को भी लग गई है सवेरा खुद भी नहीं लगाई सर पे मैंने उसे कहा था मैंने कहा थोड़ी मेहंदी रख अच्छा बात सुनो मेरी मैं जा रहा हूँ सिटी में ठीक है ना कुछ सामान वगैरह लेने के लिए जब तक आप कितने प्यारे हैं जब तक आप कोई नाश्ता वगैरह करो ठीक है मैं आपको चिब्बड़ दिखाऊं इनकी चटनी का अपना ही मजा है ये आपको पता होगा ये ऐसे खाने में भी अच्छे लगते हैं अच्छा सुनिए मेरी बात नहीं सुनिए क्या मैंने कहा मैं जा रहा हूँ सिटी अगर आपने कुछ लेना है सामान वगैरह कुछ लेने के लिए
ठीक है ना, ऊपर से जुहर की नमाज का टाइम भी हो रहा है ना, ठीक है ना। आप जब तक नाश्ता करो, दोबारा मैं आऊंगा, नाश्ता कर रही हूं, मैंने कुछ ना, दोबारा मैं आके ना आपका व्लॉग फिर बनाऊंगा, ठीक है। फिर जाऊं मैं, हैं? हाँ, चलो ठीक है, ओके फिर। चलो डाल लो ये दही तो डालो, फिर जाता हूँ मैं। जैसे रे भरनी होते ये जो इसका ये कवर होते हैं ना, ये डालो ना, ये मुंह को तीखा होता है, मुंह छिल जाता है। मैंने ये सुना है कि ये गरम बहुत होते हैं, चटनी में कुछ नहीं कहते। नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ ये कच्चा लग रहा है, कड़वा ही ना हो। चेक कर लो, बस ये वाला नहीं डालते, ये वाला सही है, बस काफी है। इनका बीज कूटा तो नहीं जाता है, में ऐसे मिक्स हो जाएगा, थोड़ा बहुत कूटा जाता है। अभी जी बड़ी मुश्किल से जो है ना साबरा को लेके उधर से बाजी के घर से यहाँ वापस आया हूँ, और बहुत ज़्यादा टेंशन ली हुई है। मैंने कहा अल्लाह ताला करम करेगा। साबरा ये लो, कुछ भी नहीं खाना, मेरी बात सुनो, ठीक है। ये मैं आपके लिए स्पेशल ये चीजें लेके आया हूँ, खुद भी खाओ। अहमदाबाद मेरे लिए कोई चीज भी लेके आने की जरूरत नहीं है आपको। अब बात खत्म हो गई है ना, बस बहुत हो गया, बस वो सिस्टर जाने और अम्मी जान जाने, अब आज जो भी बात थी आपने क्लियर कर दी ना, बात खत्म हो गई, बस बात को खत्म करो। ये कुछ खाओगी, पहले आपकी सेहत इतनी डाउन हो चुकी है, खुदा का नाम लो, मुझे भी जहनी टेंशन ना दो, ठीक है, ना ही खुद लो, मुझे खुद को यकीन करो, बुखार है दूसरा दिन है आपके ये हालात देख के। अब सिस्टर को सारी हकीकत आपने सुना दी है ना, ठीक है ना, वो खुद आएंगी, जो भी फैसला होगा जो भी करेंगी, या हमें अलहदा करके बिठाएंगी कहीं पे, ठीक है, अम्मी और अबू से बात करेंगी, या फिर हम ये जगह भी छोड़ते हैं, ये घर भी छोड़ते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है मैं आपका साथ दूंगा, फिर आपको क्या टेंशन है। चलें जी, ये साबरा आज वीडियो एंड नहीं करेगी, मुझे पता है इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, रो रो के इसका बुरा हाल था। तो अभी वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूँ, इनको कुछ इसको खिलाता हूँ ताकि ये रेस्ट करे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैंने भी अपनी सारी सिस्टर्स को ये बात की है, इसने भी जाके आज कन्फर्म कर दी है कि बस ये हालात हैं हमारे, ठीक है ना। तो वो कहती हैं कि भाई और भाभी आप दोनों घर जाएं, ठीक है ना, हम ये मसला हल करते हैं, अबू से भी बात करते हैं, अम्मी से भी। अगर देखें उनको नहीं हमारा ख़ास तौर पर ये साबरा का ये साब अब पसंद आ रहा, वो कहते हैं ना छोटी छोटी अब बातों पे बातें बढ़ने लग गई हैं, पहले हालांकि ऐसी बात नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था, अब बस वही। तो इंशाल्लाह आप बहन भाइयों ने भी दुआ करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त चाहते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़। मुकद्दस को तो दो कुछ खाने के लिए प्लीज़।